हेलो गाइस, आज हम HTML के अंदर जो देखेंगे वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टैग इन HTML में, और HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे। बेसिक एलिमेंट पे हम बी मतलब बोल्ड टैग देखने वाले, स्ट्रॉन्ग देखने वाले हैं, और आई टैग और सेंटर टैग, ये सारे हम टैग्स को देखने वाले हैं आज। इन सबको हम प्रैक्टिकली करेंगे। टाइप्स ऑफ टैग्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, टैग्स कितने तरह के HTML में होते हैं, और इन टैग्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा काम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने। देखिए, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले HTML है, फिर हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है। अब देखा जाए तो इसके अंदर टोटल कितने टैग यूज हुए हैं। देखिए, अगर मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि टैग्स कितने यूज हुए हैं, टाइप्स ऑफ टैग की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं टैग्स के काउंट की बात कर रहा हूँ। तो टोटल इसके अंदर जो टैग यूज हुए हैं वो टोटल यूज हुए हैं आपके चार टैग। देखिए, सबसे पहला HTML टैग है, फिर उसके अंदर हेड टैग है, फिर टाइटल टैग है, फिर बॉडी टैग है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैग में मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ टैग में टैग दो टाइप्स के होते हैं आप HTML में यूज करते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो टैग यूज हुआ है HTML नाम का टैग है। जैसे ये HTML टैग स्टार्ट हुआ और HTML टैग क्लोज हुआ, तो आपको इसका स्टार्टिंग भी दिख रहा है और आपको इसका क्या है क्लोजिंग भी दिख रहा है। अगर स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों आपके सामने दिखता है तो ये आपका होता है क्लोज टैग। अभी तक जो भी इसके अंदर टैग हैं वो क्या है, क्लोज टैग हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हैड टैग स्टार्ट हुआ, हैड टैग आपका क्या हुआ, क्लोज हुआ। टाइटल टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल टैग आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जो भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों दिखते हैं आपके सामने वो आपके क्या होते हैं, आपके क्लोज टैग होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ टैग्स में दो तरह के टैग्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोज टैग। अभी तक जितने भी टैग हमने यूज किए हैं इसके अंदर सारे वो क्या है, क्लोज टैग हैं। अब हम इन टैग्स को देखेंगे जो मैंने उसके अंदर लिखे थे। कौन कौन से टैग हम देखने वाले हैं, बी टैग देखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग देखेंगे आप, आई देखेंगे और सेंटर टैग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं टैग्स को बताना स्टार्ट कर रहा हूं, आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला टैग है कि आपको किसी भी चीज को बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब है, मान लो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको रन कर देता हूं, demo.html को देखिए रन कर दिया, और इसके बीच में मैंने बॉडी के बीच में क्या कर दिया, वेलकम टू WS लिख दिया, WS क्यूब टैग, और यहां पे इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वेलकम टू WS क्यूब टैग। अब लॉजिक ये है कि मान लो कि मुझे इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने में क्या होता है, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। डार्क होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड लगेगा, हाईलाइटेड, और जिससे ये आप देख सकते हैं कि ये अलग से ही दिखेगा कि ये बोल्ड हुआ है। देखिए, बोल्ड करने के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो बी नाम का टैग होता है। अब बी टैग कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बी टैग स्टार्ट होता है और बी टैग आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जो भी इसके अंदर लिखेंगे, बी के अंदर मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू WS क्यूब टैग। देखिए, जो भी आप बी टैग के अंदर लिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखिए, बोल्ड होने का मतलब थोड़ा डार्क हो गया। पहले से क्या हो रहा था, ये बस नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था, जैसा आप लिखते हैं वैसा आपके सामने क्या हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। तो बी टैग किस लिए काम आता है, बी टैग का काम होता है बोल्ड करना, बी मतलब बोल्ड करना, और ये आपका एक क्लोज टैग है, स्टार्टिंग भी दिख रहा है और आपको क्लोजिंग भी दिख रहा है। जो भी हम आउटपुट वाला काम है वो कहां पे करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का भी काम होता है बोल्ड करना। स्ट्रॉन्ग और बी दोनों ही सेम है। अगर मैंने इसके अंदर लिखा वेलकम टू IIP, आप नोटिस करिएगा मैंने स्ट्रॉन्ग टैग में क्या लिखा है, वेलकम टू IIP। तो अभी क्या होगा, बी से वेलकम टू WS क्यूब टैग भी बोल्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग से वेलकम टू IIP भी बोल्ड हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग भी एक तरह का बोल्ड करने के काम ही आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि मैं रिफ्रेश करूंगा और आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि HTML अपने आउटपुट को एक ही लाइन में डिस्प्ले करता है। एक ही लाइन में डिस्प्ले करने का मतलब है वेलकम टू WS क्यूब टैग के आगे ही वेलकम टू IIP लिखा हुआ आएगा। देखिए, रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए, दोनों ही टैग का काम क्या है, बोल्ड करना। आप बी को भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, तीसरा जो टैग था वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा टैग है आई। आई का मतलब होता है इटैलिक करना। इटैलिक में क्या होता है, अगर आप आई टैग का यूज करते हैं तो इटैलिक में आपका फॉन्ट टिल्ड हो जाता है। टिल्ड होने का मतलब थोड़ा सा तिरछा टाइप का हो जाएगा। तो आई टैग इटैलिक करने के काम आता है, तो आप आई टैग को भी यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आई को यूज किया, आई में मैं कुछ भी लिख लेता हूं। जैसे मैंने वेलकम टू WS लिखा इसके अंदर,
तो जो भी आपने आईटैग के अंदर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक, इटैलिक में फॉन्ट क्या हो जाता है, टिल्ड, और ये भी नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ये भी क्या होगा उसी लाइन में आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखिए देखिए, वेलकम टू WS, वेलकम टू IIP, बस आपको सोचना है बी बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी क्या करता है, बोल्ड करता है, और आई का काम है इटैलिक करना। तो जो हमारा उसमें एक टैग और था, लास्ट टैग था सेंटर टैग। देखिए सेंटर टैग का काम होता है किसी भी कंटेंट को सेंटर में लेके जाना। जस्ट एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे आप चाहते हैं ये बीचों बीच आ जाए एकदम, या केवल आप ये चाहते हैं कि वेलकम टू WS क्यूब क्या हो, सेंटर में आए, तो सेंटर टैग में अगर जो आप देंगे तो उसको उसको सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर टैग आप यूज करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर टैग स्टार्ट किया और सेंटर टैग बी के बाद क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नोटिस करिएगा, बोल्ड टैग वाला मैंने जो भी कंटेंट है वो किसमें रखा है, सेंटर में। तो सेंटर टैग जैसे ही आप यूज करेंगे और रिफ्रेस करेंगे, ये क्या होगा, बीच में वेलकम टू WS को क्या कर देगा, कर देगा, और पूरे की पूरी एक रो में उसको लेके आ जाएगा। आपको इसमें नीचे लाने की जरूरत नहीं है, आपका कंटेंट ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेंटर टैग पूरा का पूरा यहां से यहां तक स्पेस ले रहा है, पूरा यहां से यहां तक। अगर ये पूरी लाइन का स्पेस ले रहा है तभी वेलकम टू IIT और वेलकम टू WS क्या है, नीचे वाली लाइन में आ गया है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि बी टैग का यूज कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कैसे करते हैं, आई टैग का यूज कैसे करते हैं, टैग्स होते क्या है, टैग एक तरह का क्या है, नाम है जो आप यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन उसमें क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। जैसे बोल्ड, बोल्ड आपने यूज किया बी, तो वो उसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, इटैलिक कर देगा, और सेंटर का यूज करेंगे तो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी टैग यूज किए हैं सारे के सारे आपके क्या है, क्लोज टैग है, एक भी ओपन टैग नहीं है। मैं ओपन टैग आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ओपन टैग होते हैं, आगे के प्रोसेस में हम एक एक करके पूरा डीप में समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम HTML में जो वेब पेज बनाने वाले हैं वो किन किन टैग को मिला के बनने वाला है।